अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इखलाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसदाक टीवी। आज हम आपके लिए बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सलूशन लेके आए हैं। एंड्रॉइड मोबाइल्स के अंदर वाईफाई तो कनेक्ट होता है, लेकिन आपको इंटरनेट नहीं मिल रहा होता और कोई भी एप्लीकेशन जो है उस पे इंटरनेट नहीं चल रहा होता, लेकिन बज़ाहिर वो आपको वाईफाई, जब आप वाईफाई को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आपको कनेक्टेड मिलता है। वीडियो की डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। जी तो आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। अक्सर वीडियो में बताया जाता है कि आप वाईफाई पासवर्ड को फॉरगेट करें और दोबारा कनेक्ट करें, या फिर आपके जो राउटर के अंदर है, वाईफाई राउटर है, उसे दोबारा रिस्टार्ट करें। तो अक्सर लोगों का इससे भी प्रॉब्लम हल तो होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं हो पाता। तो इसका जो है बहुत ही बेहतरीन और आसान सा सॉल्यूशन है। आप सिंपली आप मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाएं। सेटिंग्स के अंदर टॉप राइट पे आपको सर्च बार नज़र आएगी। ये सर्च बार पे क्लिक करने के बाद जो है वो टाइप करें मैनेज नेटवर्क। मैनेज नेटवर्क लिखने के बाद आपके सामने खुल के आ जाएगा वाईफाई एडवांस मैनेज नेटवर्क। आप उस पर क्लिक करें, उसके अंदर चले जाएं और उसके अंदर आप ढूंढिए मैनेज नेटवर्क, मैनेज योर सेव्ड वाईफाई नेटवर्क। उसके अंदर नाजरीन आपके पास उस वक्त तक जितने भी आपने वाईफाई के कनेक्शन सेव किए होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, उनकी पूरी डिटेल आ रही होगी। तो आप उनमें से अपना वो ढूंढिए जिसके ऊपर आप उस वक्त कनेक्ट होना चाहते हैं। सिंपली उसको एक दफ़ा उस पर क्लिक करके उसे डिलीट कर दीजिए या उसे फॉरगेट कर दें। इसके बाद सिर्फ एक बार अपने मोबाइल के वाईफाई को ऑन ऑफ कर लें तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। नाजरीन अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।